हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईटी का बिंदु यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। सो गाइस, आईओएस 16 को अपडेट करने के बाद क्लीन एनर्जी चार्जिंग का ऑप्शन हमारे बैटरी सेक्शंस में आईफोन में शो नहीं हो रहा है। आईफोन एंड आईपैड यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि आईओएस 16 को अपडेट करने के बाद हमारे आईफोन में क्लीन एनर्जी चार्जिंग का ऑप्शन कैसे लाए और कैसे उसको एनेबल करें। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर आज की इस ब्रांड वीडियो में मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्लीन एनर्जी चार्जिंग का ऑप्शन हमारे आईफोन में शो नहीं हो रहा है। उसका आंसर की बात करें तो ये फीचर्स ओनली यूनाइटेड स्टेट यूजर के लिए ही है। सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो इस फीचर्स को कैसे एनेबल करें, उसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके बैटरी सेक्शन में जाना होगा। बैटरी सेक्शंस में आपको ऑप्शंस मिलता है बैटरी हेल्थ एंड ऑल्सो चार्जिंग का। वहां पे आपको सेकंड ऑप्शंस दिख जाएगा क्लीन एनर्जी चार्जिंग्स। यहाँ पे ये फीचर्स टर्न ऑफ हो तो सिंपली उसको टर्न ऑन कर देना है। iOS 16 का क्लीन एनर्जी चार्जिंग एक अमेजिंग फीचर्स भी आप बोल सकते हो कि बहुत ही तरह से आपको बैटरी रिड्यूसमेंट का और बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम फिक्स करता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड को भी शेयर करना ताकि अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।